हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, माणिकपुर में जो हादसा हुआ था, वो हादसे के बाद 3 जन जख्मी हुए थे, एक की मौत हुई थी। वो मामले में आज महानगर पालिका का बुलडोजर लगा हुआ है, महानगर पालिका का पोकलैंड लगा हुआ है और कार्यवाही आप इस समय देख सकते हैं कि कार्यवाही शुरू है। ये वही बिल्डिंग है जहाँ, ये बिल्डिंग के पीछे का हिस्सा है, आगे की तरफ मेन रोड है और वहाँ रिक्शा स्टैंड था, वहाँ पे 3 रिक्शे पड़े थे, उन रिक्शे में बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरा था और वो हादसा हुआ था पिछले 2-3 दिनों पहले। इसके पहले हमने कई खबरें लगाई है और खबरें चलाई है। करीब करीब 3 महीने बाद आज महानगर पालिका प्रशासन जो है एक्शन मोड में आया है। इसके पहले महानगर पालिका प्रशासन ने दिसंबर में नोटिस भेजा था कागज पत्र सादर करोगा, लेकिन तब कार्यवाही नहीं हुई थी। ये दुर्दैवी घटना तब घटित हो गई, अगर दिसंबर में यह कार्यवाही हुई होती तो शायद आज इस तरह से हम न्यूज़ नहीं बना रहे होते और ऐसा कोई अप्रिय घटना यहाँ नहीं घटती। अभी भी वो लोग इंसाफ के लिए इंतज़ार में है, न्याय के लिए इंतज़ार में है। अभी तक बॉडी आई नहीं है, लेकिन महानगर पालिका वर्तमान सहायक आयुक्त ने यह कार्यवाही शुरू कर दी। खुद सहायक आयुक्त अपने पूरे लाल लवाजम के साथ में यहाँ पर मौजूद है और कार्यवाही जारी है। तो आप ये देख रहे हैं, ये माणिकपुर का जो हादसा हुआ है, यहाँ की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, वसई से यूसुफ अली। सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786